ओ जा नंद के दुलारे ओ रोवे अकेली मीरा, ओ जा नंद के दुलारे ओ रोवे अकेली मीरा। मान घटाया भगत जन तै प्यारा ओ मान घटाए भगत प्यारा ओ केले मेरा आजा आनंद के दुलारे ओ रोवे अकेले मेरा नंद के दुलारे ओ रोवे अकेले मीरा। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ कुछ कलाकार हैं जो सारंगी बजाते हैं, लेकिन जितना मैंने इतिहास पढ़ा है इस सारंगी को सोरंगी कहा जाता था। आइए बात कर लेते हैं इन कलाकारों से। सर, बी पॉजिटिव न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद बहन जी आपका बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं आसी से हूँ जी, जिटी के सार है। सतबीर सिंह जोगी मेरा नाम है और पेशेवर हूँ। बाप दादे परदादे यही काम करते आए हैं सारंगी का। ये सारंगी में मतलब हम बजाते बजाते बूढ़े हो गए। हमने आज तक कोई सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। मेले माले लगते हैं, काम मिल जाता है, कर लेते हैं, नहीं घर बैठे रहते हैं। इस सारंगी का इतिहास बताइए। सारंगी का इतिहास जी बहुत पुराना इतिहास से ये राजे महाराजे से चले आता है। और पहले तो राजा कचड़ियाँ बाजिया करती और फौज के में भी बाजिया करती। अच्छा, इनका गाना था जोगियों का, साका रानी न्यालदे जाट जो अरमल ई रांझा और हल्ला, ये जोगिया राग हैं जी सब। हम पेशेवर हैं, हमने आज तक कोई सुविधा नहीं मिली इसमें। सिर्फ ये आवांगे तो पैसे दे देंगे, फिर घर बैठ जाएंगे, जब बुलाओगे तो सब आ जाएंगे। इतना कोई काम नहीं है, ना कोई बच्चा के इसमें तरक्की मिली। अपना चूल्हा चौंका चला इसमें चल गया, अब टाइम बदल गया इसका। क्या हर तरह का राग बजाया जाता है सारंगी में? हर चीज़ बजती है इसके अंदर, जो राग बजाना चाहो वही राग बजता है इसके अंदर। नौरंगी है सतरंगी ये साज है, पुराना कदीनी है राजे महाराजों का। जोगी कथा गाते हम परंपरा, रांझा साका बमलहरी हैं आला, हर चीज़ के कलाकार हम। 2000 वर्ष की बात याद है, 3000 वर्ष की कोई कीमत नहीं हमारी, कोई सुनाई नहीं है। मैंने सुना है कि आप एक ऐसा राग भी बजाते हैं जिससे पशुओं के रोग भी दूर हो जाते हैं। रांझा बोला जाता उसको, रांझा हीर, शिशी पन्नू, रोडा दलाली, लाला मजनू, ये रांझा हीर। क्या अगर बजाने वाले मौजूद हैं, अगर आपको वो राग सही तरीके से आता है, तो क्या पशुओं को आज भी लाभ मिलेगा? हाँ जी, आज भी लाभ मिलता है जी। बुलाते हैं गाँव की पंचायत, वहाँ जाते हैं, वैसे नहीं जाते, नगरी सुनती है, बुलाओ जाता तीसरे दिन। ये जो योग माया है इसका झाड़ा लगता है पशुओं को, जैसे जनानी का बच्चा का झाड़ा लगा है, ये पशुओं का झाड़ा है। रांझा ही योगी होए है, नया नाथ रांझा होया है। घना को मालूम नहीं है नया नाथ कौन होया। ये हिंदू का चीरा है, मुसलमान का चीरा नहीं है, ये इसका चीरा चढ़ा है। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि विलुप्त तो होती जा रही है परंपरा सारंगी की। हाँ, घटती जा रही है जी, कोई इसकी सुनाई नहीं, कोई वालो नहीं। जैसे ही आ रहे हैं मेला में बुला ले हैं, फिर बाद में भूल जाए, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई सुनते नहीं। क्या अपील रहेगी आप? अपील रहेगी जी, हम तो हाजिर हैं, जो मांगेंगे मांग करांगे पूरी। अपील रहे आगे जी, जागृत रखेगी गवर्नमेंट सरकार, ये जागृत रहेगी, और जो नहीं रखेगी आगे कोई बच्चा नहीं सीखता। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ कुछ सारंगी वादक जिन्होंने कहा है कि ये जो परंपरा है वो विलुप्त तो हो रही है। यहाँ पर मेले में तो इनको कलाकारों को बुला लिया जाता है, लेकिन इनको फिर कोई भी अवसर नहीं मिलता जिससे ये अपनी इस परंपरा को निखार सके। तो यहाँ पर अपील रहेगी कि आप इस परंपरा को जानिए, पहचानिए। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए नगेंद्र शर्मा।